वेलकम टू माय शो मावरी गुरु। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, मावरी गुरु इज़ द ओनली चैनल विच प्रोवाइड यू द कंप्लीट डेटा रिगार्डिंग योर नीट कट ऑफ एज वेल एज योर चांसेस फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट और एनी अदर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके अलावा मेरे चैनल के अलावा अगर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी या तो डाटा मैनिपुलेटेड होगा या तो विदाउट एनालिसिस होगी। मैंने जो डेटा बनाया है, मैंने जो वीडियो बनाया है, वो पूरा कंप्लीट एनालिसिस के बाद ही बनाता हूँ दोस्तों, मैं फर्जी वीडियो नहीं बनाता। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो देखने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, नीट 2020 के कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस 2 या 3 दिन के बाद आएगी, जब ये पता चल जाएगा कि कहाँ के स्टेट के कैंडिडेट्स किस तरह के स्कोर कर रहे हैं। उसके लिए आपकी मदद करेगी, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या मैं बात कहने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस बार जो मैक्सिमम स्कोर है 600 प्लस का, वो काफ़ी कैंडिडेट्स कर सकते हैं। पिछली बार 2019 के अपेक्षा इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स 600 प्लस से ऊपर स्कोर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा सकता है। स्टेट कोटा का कट ऑफ डिपेंड करता है, स्टेट कोटा का कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में जो सीटों की डिमांड होगी वो एम्स, जिपमर और नीट के टॉप इंस्टीट्यूट रहेंगे, और स्टेट कोटा में डिमांड स्टेट के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए होती है, तो वहाँ पर उतना कट ऑफ इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन ऑल इंडिया कट ऑफ फॉर श्योर 600 के अप्रॉक्स जा सकता है एज़ पर योर क्वेश्चन पेपर लेवल। और दोस्तों, स्टेट कोटा का कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में एनालिसिस पूरी 1 या 2 दिन बाद मैं करूँगा, क्योंकि मैं फर्जी वीडियोज़ नहीं बनाता कि 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा, 550 हो जाएगा, वो मैं प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनाऊँगा। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना स्टेट, अपना टोटल जो भी मार्क्स आपने कैलकुलेट किया है आंसर की के बाद, वो और अपना कैटेगरी करके मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से, क्योंकि एनालिसिस की जाएगी कि किस तरह से आपके चांसेस हैं MBBS में, BDS में, आयुष में, AIPBT में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, एम्स में, जिपमर में, कहाँ आपको सीटें मिल सकती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सबके बारे में बात होगी। बस एक काम करिएगा, जल्दी से अपना स्कोर स्टेट और डोमिसाइल और साथ ही साथ अपना कैटेगरी मेंशन करके मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, फिर देखा जाएगा कि क्या स्कोर हो सकता है, क्या आपके चांसेस हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।